भोजन बनाते समय कुछ ऐसे शब्द, प्रार्थना, मंत्र रसोई में चलने चाहिए और वो सारे शब्द भोजन के अंदर जाने चाहिए, पानी के अंदर जाने चाहिए। फिर जो घर में सभी लोग वो भोजन खाएंगे तो वो सारे उनके संस्कारों में आने लग जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। इस पावर को यूज़ करना है कि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो अपने मन को, अपने अन्न को शक्तियों और दुआओं से भरकर बनाइए, तो फिर मन भी कैसा हो जाएगा, शक्तिशाली। तो चार एनर्जीज होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। धन कैसा कमाते हैं, उसी से अन्न खरीदते हैं, फिर अन्न कैसा खाते हैं, उसी से मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है। तो धन दुआओं के साथ कमाएं, अन्न प्रसाद की तरह बनाएं। घर में मर्यादा बना लें कि फोन और टीवी ऑन नहीं होता खाना खाते समय, ये हिंसा है, ये भी हिंसा है। कौन से शब्द चले जाते हैं उसके अंदर, और वो शब्द जो अंदर चले जाते हैं वो मन और शरीर पर असर करेंगे ना, तो वो हिंसा हुई ना। तो फोन और टीवी, तो अहिंसा के जो पैरामीटर्स बनाए थे वो समय अनुसार थोड़े से ऐड करने पड़ेंगे उसमें चीजें। फोन और टीवी ऑफ हो, साइलेंस में बैठें, शुक्राना करें, उसको अच्छे संकल्प दिखाने को, फिर साइलेंस में बैठकर खाना खाएं या प्यारी प्यारी थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन। लेकिन सारा दिन की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए अगर खाना खाया तो वो भी हिंसा है, क्योंकि वो सारी एनर्जी खाने में जाएगी और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। अगर धन और अन्न का ध्यान रख लिया और मन के लिए रोज सुबह उठकर अच्छे से 15-20 मिनट अपने लिए रखा और कंटेंट नेगेटिव नहीं लिया, तो शक्तिशाली मन बनाना इज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। और अगर ये नहीं किया तो शक्तिशाली मन बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। करें तो वो बहुत सहज है और न करें तो वो बहुत मुश्किल है। चॉइस किसकी है, पावर किसके पास है, हमारे पास। हम अगर इस पावर को अभी क्रिएट कर लें तो सिर्फ हम नहीं, अगली जेनरेशन प्रोटेक्टेड है, और अगर हम नहीं करें तो हम उनके लिए क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। आने वाला समय डिप्रेशन को लोग नॉर्मल बोलने लग जाएंगे नहीं तो ध्यान रखना है।